गरीबों के मार के गरीबों को भगा के राजनीति करना, ये थोड़ी ना राजनीति का मेरा एजेंडा है, ऐसा नहीं है। मेरे बेटे की दिक्कत नहीं देख सकता तो वो मेरे बेटे नहीं है क्या? वो मेरे भाई बहन नहीं है? जाने दीजिए, ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जाड़ी चामड़ी के लोग हैं। ये राजनीति ऐसी राजनीति करते हैं कि सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए। यूपी बिहार के लोगों पर हमले और पलायन पर अल्पेश ठाकुर सफाई में आंसू बहा रहे हैं, जबकि दो दिन पहले बाहरियों पर उनकी चेतावनी का वीडियो आता है। आज कांग्रेस पार्टी धमकी के वायरल वीडियो पर मोहन जी ठाकुर को सस्पेंड कर देती है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। गुजरात मॉडल दिखाकर उस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या यही गुजरात मॉडल है? कांग्रेस की यही नीति रही है, समाज बांटो, देश जलाओ, राजनीति करो और फिर चिल्लाओ। समाज को बांटने की ये जो प्रक्रिया कांग्रेस की रही है, उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। सवाल ये कि गुजरात में हिंसा का जिम्मेदार कौन है? गुजरातियों को भड़काने वाले कांग्रेस नेता या बीजेपी, जिसकी गुजरात में सरकार है या जिस पर सबको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है? इस सियासत के बीच गुजरात से यूपी और बिहार आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। लोग कह रहे हैं आधार कार्ड देखकर उनकी पिटाई की जा रही थी। परिवार वाले तो बहुत सहमे, वो तो बोलते गांव चलो, लेकिन हम लोग आशा बंधाते हैं चलो सुलझ जाएगा, एक दो दिन में शांति हो जाएगी तो रुकेंगे। दर्द तो सर बहुत लग रहा है, इतना लग रहा है कि रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते, बच्चे हमारे रोते हैं रात रात भर, मम्मी क्या होगा, कैसे रहेंगे, ये आके हमको मारते हैं। सियासत इस पर भी हो रही है कि जिस वाराणसी से पीएम मोदी जीतकर प्रधानमंत्री बने, उसी वाराणसी के लोगों को गुजरात से भगाया जा रहा है। सवाल नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ के रवैये पर भी है। उत्तर भारतीयों पर हमले के बाद एमएनएस पर उबल पड़ने वाले ये नेता अब इतने दबे स्वर में बात क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।